हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। ये हमने किस तरह से तैयार करना है, इसके लिए हमने एक पेटल ये बना ली है और यहाँ पर हम बना के दिखाएंगे आगे की पेटल्स। इसके लिए पहले तोरण पट्टी बताएंगे। तोरण पट्टी हम नेट की भी बना सकते हैं, इसमें सिंपल भी बना सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं। तो ये वाली तोरण पट्टी मैं आपको बना के दिखाऊँगी, बाकी मैंने सिंपल और ये नेट की बना के दिखाई हुई है। तो चलिए ये वाली स्टार्ट करेंगे तोरण पट्टी। तोरण पट्टी हमें जितनी चौड़ी बनानी है उस हिसाब से हमें चेन लेनी है। अगर मैंने ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाई है ये मैंने 10 चेन ली है। 10 चेन पर हम तोरण पट्टी 10 चेन लेके इस पर 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे हमारे। इस तरह से 8 डबल क्रोशिए बना लेंगे। फिर सेकेंड राउंड में हमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने बना लिए। अब स्टार्टिंग के 2 डबल क्रोशिए हमें बनाने हैं, उसके बाद हमें 4 चेन लेनी है और लास्ट के 2 डबल क्रोशिए बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। बीच में 4 चेन लिए और किनारों पे 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। ये सेकंड राउंड में ऐसे बना के फिर थर्ड राउंड में हमें सिंपल बनाना है डबल क्रोशिया। जितने हमने बीच में छोड़े हैं उतने हम इसके बीच में बना लेंगे। नीचे जितने बीच में हैं 4 डबल क्रोशिए, 4 हमने साइडों में बना लिए, तो टोटल 8 डबल क्रोशिए थे। तीन इस तरह से। अब ये लास्ट वाले दोनों में डाल के बनाएंगे। तो ये देखिए सेकंड थर्ड राउंड ऐसे बनाना है। इस तरह से हमें कंटिन्यू बनाना है। सेकंड फर्स्ट जो सेकंड राउंड बनाया हमने ये, और थर्ड राउंड कंटिन्यू हमारा चलेगा। दो डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में, 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4, और अब लास्ट के 2 बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से ये तोरण पट्टी हमें जितनी लेंथ में चाहिए बना सकते हैं और उसी हिसाब से हम चौड़ाई भी रख सकते हैं। 1 2 3, अब हमें सिंपल बनाना है ये वाला राउंड। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपनी तोरण पट्टी तैयार कर लेनी है। तो अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे इसका। तो इसके लिए हमें राउंड काउंट करके बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमें राउंड काउंट कर लेने तोरण पट्टी के, कितने राउंड हमने तोरण पट्टी के छोड़ के और फिर इसको स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड हमने छोड़े हैं और 8th राउंड में हमने इसे डाला है। देखिए इसके राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th में हमने इसे डाल के स्टार्ट कर लिया। तो इस तरह से हमें इसमें 8th राउंड पर स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो ये हम 8th पर डाल के स्टार्ट कर देंगे पेटल बनानी, सिंपल पेटल बनानी है। स्टार्टिंग में 8 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितने बॉक्स राउंड छोड़ देंगे इसके, 1, 2, 3 दो बीच में छोड़ के नेक्स्ट में डाल लेना है। इसमें डालना है हमने इस वाले राउंड में, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इसमें डाल लेंगे। देखिए ये वाला बना लिया, इसमें छोड़ना है, इसमें छोड़ना है, इसमें डालना है। तो इस तरह से दो राउंड बीच में हमें छोड़ के फिर स्लिप स्टिच से डाल लेंगे। 3 चेन ले लेंगे और ये नेक्स्ट राउंड पर जोड़ देंगे, नेक्स्ट बॉक्स पे इसके। टर्न करेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया पूरे में बना लेंगे। इस तरह से पूरे में डबल क्रोशिया बनाना है जितना इसमें फूल भर जाए। देखिए पूरा भर जाए इतना बना लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा गैप छोड़ के इसे 3 चेन के हिसाब के गैप छोड़ के और फिर लगाना है। अभी हमें वापस 1 चेन बनानी है। इतनी चेन बना लेंगे कि ये इसके ऊपर से आराम से आ जाए और यहाँ पर हम इसे लगा देंगे इसके पास में। ये देखिए इसके ऊपर से अच्छे से आ जाने चाहिए। 2 चेन और ले लेंगे ताकि अच्छे से। अभी हम इसको यहाँ पर बांध लेंगे, वापस 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट बॉक्स में राउंड में तोरण पट्टी के में लगा देंगे। ये आप स्लिप स्टिच में भी ले सकते हैं, सिंगल क्रोशिया में भी। अभी हमें वापस से डबल क्रोशिया बनाना है इसमें, ये जितना भर जाए इतना। तो ये डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसी तरह एक राउंड और बना लेंगे चेन लेके इतने लेंथ की और नेक्स्ट में एक राउंड डाल लेंगे। तो ये 3 टोटल राउंड आ जाएंगे हमारे। तो ये देखिए ये हमने 3 राउंड इसके किए हैं, एक डबल क्रोशिया बनाया है, वैसे हमारे 6 राउंड टोटल हो गए। एक में हमने चेन्स लिए हैं ढेर सारी तीनों राउंड में और एक एक राउंड हमने डबल क्रोशिया का बनाया है। अब हम कलर चेंज करेंगे ये वाला डिज़ाइन डालने के लिए। तो ये यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, आप चाहें जहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें अलग अलग ही बनाने हैं सारे। फोर चेन लेनी होती है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं रखने हैं हमें ये वाले, तो ये हमने 4-4 चेन का गैप रखा है। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और थर्ड वाले में डालेंगे यहाँ, यानी 3 डबल क्रोशिया बीच में होने चाहिए। ये देखिए 3-3 डबल क्रोशिया बीच में रखने हैं, इस तरह से आ जाना है। इस तरह से हमें वापस 3 डबल क्रोशिया छोड़ के और फिर बना लेना, इस तरह से हमें ये बनाना है। 1, 2, 3, 4 चेन हमें 4 लेनी है
थ्री डबल क्रोशिया छोड़ छोड़ के हम बना लें। ये टोटल हमें 5 बनानी है। वन टू थ्री फोर, ये और बन जाएगी। तो इस तरह से हमें ये बनानी है। अब टर्न करेंगे, ये 5 हमने बनाई है, 5 चेन, 5 बॉक्स बनाए हैं, 4 4 चेन लेके। अभी हम एक स्लिप स्टिच लेंगे और फिर यहाँ से हम वापस 4 चेन लेनी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कम होती जाएंगी और बनाते जाएंगे। ये हर एक राउंड में कम होती जाएंगी। नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ डालनी है और एक दो राउंड हम सेम भी बना लेंगे, यहाँ तक ले आएंगे, तो इससे इसकी शेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी। देखिए एक दो राउंड हम दो बार बनाएंगे, ये तीन तीन का, जैसे ये तीन है हमारे, ये हम एक बार और तीन का बना लेंगे। यानी कि स्लिप स्टिच लेके आगे से नहीं, वहीं से स्टार्ट कर दी हमने चेन। दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पर हमने ख़त्म करी और यहीं पे हमने 4 चेन ले ली, 1 2 3 और 4, और इसको हम यहीं पे जोड़ देंगे इस पर। इस तरह से ये एक दो राउंड बराबर बराबर बॉक्स के आएंगे, 1 2 3 4। तो इससे थोड़ी शेप अच्छी हो जाएगी, लेंथ भी अच्छी आ जाएगी। एक राउंड और ले लेंगे सेम ऐसे ही, 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स दूसरी साइड में भी हम सेम बना लेंगे, दो सेम बनेंगे हमारे, फिर बीच का बाद में अलग डिजाइन में बनाएंगे, अलग तरह से बनेगा सेम ऐसा ही, लेकिन वो साइडों में इसके बांध के फिर बनाना है। ये देखिए, तो ये देखिए सेम ऐसा ही हम इस साइड में बना लेंगे, थोड़ा बीच में गैप छोड़ के, इतना गैप छोड़ के काउंट कर लेंगे डबल क्रोशिया, उसके बाद ये गैप छोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों हमने बना लिए हैं। आप चाहें तो इसकी साइज और लेंथ बढ़ा सकते हैं, और ये भी हमें फिर एक और राउंड ले लेंगे इसका डिज़ाइन का, और ये भी हमें फिर काफ़ी लेंथ में और चौड़ाई में काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हम येलो वाला बताएंगे। येलो वाला हमने इन दोनों साइडों में जोड़ के और डबल क्रोशिया लेकर फिर सेम ऐसे ही बना लिया इसकी तरह। तो चलिए बताते हैं। येलो कलर यहीं से स्टार्ट करेंगे और एक राउंड हम डबल क्रोशिया ले लेंगे सिंपल, उसके बाद हम चेन बनानी शुरू करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आपको जो पसंद है रख सकते हैं। ये इतनी चेन ले लेंगे यहाँ तक आराम से आ जाए और इकट्ठी भी नहीं हो, खिंचा हुआ भी नहीं लगे। अभी एक दो चेन और ले लेंगे, ये आप इसको नाप के ही ले सकते हैं, अभी ये सही आएगा, थोड़ा लूज होगा तो चल जाएगा। ये मैंने दो चेन जो एक्स्ट्रा लिए उनकी आवश्यकता मुझे लग रहा है नहीं है, तो हम जितनी ली थी उतने ही रखेंगे। ये देखिए इतने भी सही है। अब हमें 3 चेन लेके और ये पूरा बना लेंगे सिंपल डबल क्रोशिया, इसमें भर जितना इसमें भर जाए ये इतना बना लेना है।
ये देखिए ये बन गया है। अब हम इसमें जो हमने 5 ये बॉक्स लिए हैं चेन, चार चार चेन बना के सेम ऐसा ही बना लेंगे और इसी तरह का डिजाइन बना लेंगे। इस पर चार चेन और डबल क्रोशिया भी हम इसमें काउंट करके ले सकते हैं कि 5 पार्ट हो जाएं, तो काउंट कर लेंगे 3 3 तीन पार्ट और ये एक एक्स्ट्रा है तो वो हम बीच में डाल देंगे। आप काउंट करके पूरे ही लेना 3, उसके बाद हमें ये यहाँ पर जोड़ देंगे 4 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। तो इस तरह से 2 बॉक्स हमारे पास आ गए हैं और अब जो बीच का बॉक्स होगा उसमें एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, 4 चेन और ये 4 डबल क्रोशिया। सेम ऐसे ही हमें पूरा ये कंटिन्यू बना लेना है। वन टू थ्री फोर और ये लास्ट में डाल लें। अभी हमें स्लिप स्टिच करके और बीच में जाना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें बना लेना है ये वाला। देखिए इसी तरह से कंटिन्यू सेम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें येलो वाली भी बना लेनी है। अब हम ये फूल बनाना बताएंगे आपको, ये हम किस तरह से बना सकते हैं। बहुत आसान है फूल बनाने ये वाले पेंसिल पे। ये पेंसिल आप थोड़ी खुरदरी वाली लेना, ये देखिए इस तरह से धागा ले लेना और अब हम इस पर इस तरह से करेंगे। हम निकाल लेंगे इस तरह से हमें फूल बना लेने। ये यहाँ पर लग जाएगा और रेड बना लेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे या चिपकाने का के भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपना एक और पेटल बनेगी वो बना लेनी है और ये कंप्लीट कर लेना है तोरण पट्टी। तो अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये एक पेटल और बनेंगे हमारे इस वाले पार्ट में, वो भी बना लेंगे। तो इस तरह से हमें ये डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे।